हेलो दोस्तों, प्लान पर कंपनी का 13 mm ड्रिल मशीन। ये मशीन बहुत ही अच्छे हैं, मेरे पास रिपेयर करने लेके आया है, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। मशीन का मॉडल नंबर है PID 700VR। मशीन बड़े से घूम रहा है, इसमें चौक नहीं घूम रहा है, क्या हो सकता है? इसमें गियर डैमेज हो गया? तो ओपन करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। धीरे धीरे करके हम मशीन को ओपन करते हैं, बड़े से ओपन हो गया है। तो मैंने ओपन करने के बाद मैंने देखा इसमें गियर तो डैमेज नहीं हुआ है, तो क्या हो सकता है? देखिए गियर बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, तो फिर भी क्या हो गया, घूम क्यों नहीं रहा है? तो मैंने कुछ देखा, इसमें गियर तो बड़े से मूव कर रहा है, इसमें स्पैंडल है ना, वो मूव नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके अंदर की फिटिंग है कि डैमेज हो गया, नहीं तो स्पैंडल अंदर प्ले हो गया, तब ऐसे हुआ है। तो ओपन करते हैं, देखिए क्या हुआ है। तो इसमें स्पैंडल के अंदर लॉक नहीं है, तो इसमें मूव हो रहा है। तो इसके अंदर कैसे फिटिंग्स है, ओपन करते देखते हैं। हो सकता है इसके अंदर की है, तो की स्लिप हो गया, तो ओपन नहीं करेंगे तो देख नहीं सकते। तो कैसे ओपन कर सकते हैं? तो इसमें हम पुलर से पकड़ नहीं पाएंगे, क्यों? इसमें अंदर बॉल है। और इसमें और एक चीज़, इसमें जो स्पैंडल है ना, इसमें कुछ रेंच पकड़ने के लिए नहीं दिए हैं। अंदर एक स्क्रू है और थोड़ा डैमेज हो गया है, तो डैमेज हो गया, हम इसको स्क्रू ड्राइवर से पकड़ नहीं पाएंगे। तो ओपन कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कुछ सोचते हैं, तो हमें तो रिपेयर करना है। मैंने कुछ नोटिस किया, इसमें आपको एक बूश एक बैरिंग देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे फिटिंग्स दिए हैं। इसमें बॉल इसमें ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी हमें उसको ओपन करना है। मैंने एक पत्ती इसके अंदर डाल सकते हैं, तो इसमें डाल नहीं रहा है, तो इसमें बैरिंग से लॉक हो रहा है। बैरिंग को थोड़ा नीचे कर देंगे ना, बड़े से फिट हो जाएगा, बड़े से फिटिंग हो गया है। तो इसमें लकड़ी से टक्कर मार के हमें इसको ओपन करना है, तो हाथों में पकड़ के लकड़ी से टक्कर मार के उसको हम ओपन कर लेते हैं। गियर बड़े से ओपन हो गया है। देखिए इसमें जो की होता है, की इसमें नहीं है, तो इसी वजह से गियर को लॉक करके नहीं रख पाता, इसी वजह से अंदर मूव हो रहा था। तो गियर बड़े से घूम रहा था, स्पैंडल नहीं घूम रहा है। तो इसमें जो की है ना, बैठ गया है, तो कुछ नुकीला सामान से इसको बाहर काटते हैं।
देखिए छोटे वाला जो की है ना बड़े से ओपन हो गया। तो इसमें जो की फिटिंग है छोटे एक लोहे का बॉल है जैसे बैरिंग के अंदर होते हैं, बहुत ही छोटे है। तो इसमें बॉल हम बैठा देंगे ना बड़े से काम करेगा। तो इसमें बॉल का जो साइज़ है ना बहुत ही छोटे है, तो हमें इसको देखना है कौन सा बॉल इसमें फिट हो रहा है, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। धीरे धीरे करके मशीन का सभी पेयर पास को हम ओपन करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, उसमें जो भी सामान डैमेज होगा हमें उसको चेंज करना है, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले कार्बन होल का ओपन कर लेते हैं, आर्मेचर बाहर काटते हैं। बैरिंग को हम घुमा के चेक कर लेते हैं, तो आगे वाला जो बैरिंग है ना थोड़ा जैम लग रहा है, थोड़ा प्ले हो रहा है, तो इसको चेंज करना है। अब पीछे वाला बैरिंग बिल्कुल ठीक है। पैनल में जो बैरिंग है थोड़ा प्ले हो गया, तो उसको चेंज करना है। सर्किलिप से हम उसको ओपन कर लेते हैं, सर्किलिप बड़े से ओपन हो गया है, तो बैरिंग को हम बाहर कर लेते हैं। बड़े से बैरिंग बाहर हो गया, देखिए इसमें एक अंदर बूस है और उसके पीछे आपको एक बैरिंग फिटिंग होता है। इसमें थोड़ा सा प्ले है, कम चल जाएगा। इसमें जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे दिया है। अब बैरिंग का साइज है 6001, थोड़ा प्ले हो गया है, तो इसको चेंज करेंगे। तो अच्छे से हम सैप को देख लेते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। देखिए ये जो स्पैंडल है किसी ने रिपेयर किया है, जहाँ पे गियर फिटिंग होता है उसमें कुछ पांच किया है, जहाँ पे बैरिंग फिटिंग है उसमें भी पांच किया है, बैरिंग को फिक्स कर दिया। तो इसमें बैरिंग का फिटिंग्स कंपनी ने ऐसे दिया है, बैरिंग अंदर आगे पीछे होगा, स्प्रिंग से इसमें काम करेगा। जब भी हैमर में होता है तो थोड़ा सा प्रेशर देने पर आगे पीछे होते रहेगा। तो किसी ने गियर को फिक्स कर दिया, तो मशीन को कुछ रिपेयर गलत किया था, तब ऐसे जो की है ना की खराब हो गया। पैनल के अंदर एक बॉल फिटिंग होते हैं, तो बॉल का साइज बहुत ही छोटे है। मेरे पास 606 जो बैरिंग होता है वो भी थोड़ा छोटे हैं, तो बैरिंग को ओपन करके बॉल हम बाहर करते हैं। तो ये जो बैरिंग है बहुत ही कम यूज़ होता है, तो बॉल मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो बैरिंग को तोड़ के बॉल बाहर करते हैं, उसके बाद फिटिंग करने की कोशिश करते हैं। बॉल बाहर हो गया है, तो इसमें एक बॉल लेके तो हमें स्पैंडल में फिट करके देखना है उसमें फिटिंग होता है नहीं होता है। तो मैंने धीरे बॉल बहुत ही छोटे हैं, हाथों से उठा नहीं पा रहे हैं, तो एक बॉल
बड़े से उठा लेते हैं, तो ग्रिज लेके उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो अभी बड़े से उठ गया है, तो इसको अंदर हमें फिट करने की कोशिश किया। इसमें जो बॉल है बहुत ही बड़े है, तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। फिटिंग तो हमें करना है, बॉल कहाँ से हम कलेक्शन करेंगे? तो मैंने कुछ सोचा, तो बॉल को हम छोटा बना सकते हैं, तो इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं। तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैंने कुछ ऐसे दिमाग में सोचा है, बॉल को हम ग्राइंडिंग के मदद से थोड़ा छोटा बना देंगे, तब बड़े से फिट कर पाएंगे। तो मैंने कैसे उसको छोटा बनाया आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने एक जो 220 हैमर ड्रिल मशीन में जो लंबे गियर होता है उसके अंदर बॉल बैठता है, तो वो टूटा वाला गियर मेरे पास रखा हुआ है। तो गियर को हम लेते हैं, गियर के पीछे हम बॉल को बैठा के थोड़ा ग्राइंडिंग करके ना बॉल को छोटा बनाते हैं। टू ट्वेंटी हेमाड्रिल में जो गियर होता है ना उसमें हम बॉल को बैठाते हैं, उसके बाद थोड़ा एंगल ग्राइंडर का मदद से हम ग्राइंडिंग करके बॉल को छोटा बनाते हैं। तो कितना मेहनत लगा है, पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके अंदर बॉल बैठेगा, नहीं तो जो बॉल है ना उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो हम इसको ग्राइंडिंग कर नहीं पाएंगे। बॉल को अंदर बैठा लेते हैं, तो इसमें बैठ नहीं रहा, बहुत ही छोटे हैं, अभी बैठ गया है, देखिए बॉल इसके अंदर चला गया। तो ग्राइंडर की मदद से उसको छोटा बनाते हैं। এই বলটা আমি ছোট করছি, শান দিয়ে দেখো, শান দিয়ে ছোট করা হচ্ছে কিভাবে। ছোটো করছি, কিছু করার নাই আমার কাছে, ঠিক আছে, অপশান নাই। बॉल बाहर हो गया, कहाँ गिर गया मैंने ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत ही छोटे है, जब भी एंगल ग्राइंडर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं, बॉल बाहर चला गया। तो फिर से एक बॉल लेके हमें फिर से ऐसे ग्राइंडिंग करके इसको बैठाना है, बहुत ही कष्टदायक काम था। मैं फिर से और एक बॉल लेते हैं, ऐसे करके हम कटिंग करते हैं। तो एंगल ग्राइंडर को बाहर नहीं करना है, अंदर ही रखना है। बहुत ही गर्म हो गया है, तो हाथों में मैं जब पकड़ा था हाथ जल गया था, तो थोड़ा ठंड कर लेते हैं। तो ऐसे ठंड करके हम इसको चेक कर सकते हैं, बॉल को बाहर काटते हैं, तो स्पैंडल के ऊपर बैठा के फिटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है हम इसको चेक करना है, नहीं होता है तो फिर से हमें इसको कटिंग करना है। तो ऐसे करके काम को हमें करना है, मैंने काम किए है जो रियल है आपके साथ शेयर करता हूँ।
देखिए इसमें जो छोटे एक बड़े बल दिखाई दे रहा है, बड़े बल को हम गाइंडिंग की मदद से ऐसे बैठा के गाइंडिंग करके थोड़ा छोटा बनाया, छोटा बल जो स्पैंडल है उसके अंदर बैठ जाएगा, बड़े बल इसमें बैठेगा नहीं। तो आपके साथ शेयर करते हैं। बल बड़े से बैठ जाएगा, देखिए बड़े से बैठ गया है। हम बस से टक्कर मार के इसको फिटिंग कर लेते हैं। দেখো খুব সুন্দর বসে গেছে, ঠিক আছে, ফিটিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি ফিটিং করে দাও, বল বড়ে সে ফিট হো গেয়া। তো এসমে জো বল ফিটিং হুয়া হ্যায় না, তো ইসকো হাইড্রোলিক প্রেস মে আমি গিয়ার কো ফিট করনা হ্যায়। এসমে নয়া বেয়ারিং হাম ফিটিং কর লেতে হ্যায়। বেয়ারিং কা সাইজ হ্যায় 6001। তো এসমে বুশ কো হাম ফিটিং করকে দেখ লেতে হ্যায় কেসে ফিটিং থা। তো এসে আমি ফিটিং করনা হ্যায়, তো গলতি হোনে পর फिर से हमें खोलना पड़ेगा। तो सभी पेयरपास को अच्छे से चेक करने के बाद हम फिटिंग करते हैं। बैरिंग को अंदर बैठा लेते हैं। तो इसमें हमें लॉक करना है सर्क्लिप से, लॉक प्लस की मदद से सर्क्लिप से हम लॉक कर लेते हैं। तो बड़े से फिटिंग हो गया है, तो बैरिंग बाहर नहीं आएगा। इसमें हमें गियर फिटिंग करना है। हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से हमें गियर को फिटिंग करते हैं। तो बहुत ही प्यार से सावधानी बरतना है, थोड़ा सा चूक होने पर तो की बाहर हो सकता है। बड़े से फिटिंग हो गया है, तो थोड़ा सेफ्टी के लिए फेविक्विक डालना है, उसमें की से लॉक करना है।
सर क्लिप से लॉक कर दिया कि बाहर नहीं होगा, बड़े से फिटिंग रहेगा। में जो बैरिंग फिटिंग है उसको पुलर का मदद से ओपन करते हैं। उसमें बैरिंग को हमें चेंज करना है। बैरिंग का साइज है 608। प्रेस की मदद से बैरिंग को हम फिटिंग कर लेते हैं। बड़े से फिटिंग हो गया है, घुमा के भी चेक कर लेते हैं बड़े से मूव हो रहा है। मशीन में फिटिंग करने के बाद ग्रीसिंग करके फिटिंग करके चला के देखते हैं। मशीन में बूस्ट फिटिंग है, बूस्ट में हमें ऑयल डालना है और बैरिंग में ग्रीस होता है।
मशीन में जहाँ पे बूस रहे थे आपको थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल लेना है। तो बड़े से फिटिंग होने के बाद घुमा के भी हम चेक कर लेते हैं, बड़े से मूव हो रहा है तो फिटिंग बड़े से हो गया है। देखिए आपके साथ हम शेयर करते हैं, ये पहले घूम नहीं रहता, अभी बड़े से मूव हो रहा है। तो इसमें ग्रीसिंग करने के बाद मशीन को फिटिंग करते हैं। देखिए इतना मोटे एक लोहे है, इसको हम ड्रिलिंग करेंगे इसी से, ठीक है। दो बीट, ये जो बीट है ये भी हम ड्रिलिंग करेंगे और ए बीट भी ड्रिलिंग करेंगे। तो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ड्रिलिंग करके दिखाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। पानी देना पड़ेगा।
वो भी मोटे में ना कटिंग नहीं करेगा, तो पानी दे दे अभी कटिंग बढ़िया से करेगा। देखिए आर पार हो गया, चला गया ना आर पार, ठीक है। देखिए बड़े से इसमें होल हो गया, छोड़ो इसको, हम अभी इसमें बड़े वाले डील चलाएंगे। इसमें इसको चलाएंगे, हो गया देखो डील मैंने कर दिया। इसको देखो आर पार चला गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक काम करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो आपको कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो जो भी काम नहीं होता है वो भी आप कर पाओगे। तो आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है, तो आपको डटे रहना है, आपको काम को करके दिखाना है, और आपको टेस्टिंग भी करना है। तो आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका काम कितना अच्छा हुआ है। तो आप ऐसे ही करके छोड़ नहीं सकते हो। मैंने इसको टेस्टिंग भी कर लिया, बड़े से वर्क भी कर रहा है, तो आपके साथ शेयर भी किए हैं।